हुई नहीं हुई कानून की बात की है उन सब पर ये काफी है उन सब की तस्वीर
जो हाल है आपको देखते हैं कि कितना कमजोर है पीटीएम का तो अच्छा है और ऐसे किसी को जगह ही बढ़ा रहे हैं चाहे वो छोटे मीडिया है चाहे इंटरनेट मीडिया है हमारे अंग्रेज की जो मीडिया हमारे इंग्लिश जो प्रिंट मीडिया है उसको कुछ हद तक आजादी इस समाज में हासिल हुई लेकिन पीटीएम के कॉन्टेक्स्ट में वहां पर पीटीएम के खिलाफ स्नोबॉल कर दिए थे और ड्रॉप कर दिए जा रहे तो हम तो मुकालमे की तरफ आ रहे तो मुकालमा होना चाहिए तनकीद की बर्दाश्त करने की जितनी बड़ी तनकीद अगर हम मदद इतनी ही करें अगर हमें इतनी ही हमारे हाथ में इतनी ज्यादा है तो हमें इजाजत दे पाकिस्तान की टीम चलने से पता क्या हमें स्कोर हो जाए क्यों नहीं हमें 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 क्यों ना हो सकता है तो हम मुकालमे के हो अगर हमें कोई खामी हो तो वो पूरी ग्रुप को पता चलनी चाहिए ये तरह तस्वीर थी जो दिखाई जा रही है तो मीडिया के साथ साथ अजीबी से साथ जो भी मोहसिन जिले साहबान कुछ मखसूस इलाकों को टारगेट करते हैं उनके खिलाफ कोई फैसला आ जाता है तो फिर रेफरेंस साहब हो जाए वो भी इतनी किसी का कहने में आ जाते हैं तो एहसास अमन उन मखसूस इदारों को टारगेट करना चाहे वो अधिया में है वहां पर भी मेरे अपने साथ फाइज साहब या फिर सुबह मुकासिम साहब का जुलेस आया वो भी एक निशान बनते हैं और साथ ही साथ मेरे साथ जो लोग अमल करते हैं वो हम शुरू से देखता रहे हैं कि मीडिया मार्ग पर मैं क्योंकि और भी ये बात आपने सिर्फ जरूर करना चाहूंगा कि इस कंट्रोल सिस्टम से हम निकलना हिस्सा पॉलिटिकल पार्टीज का रोल मेरे ख्याल में उनको काफी मुसर किरदार अदा करना हो गया और यहां पर मुझसे पहले बात हुई कि हर शोबे को उठना होगा उठना को भी उठना होगा गांव से समाज को भी उठना होगा सबको उठना होगा लेकिन मेरे बात यह है वैधानिक तौर पर यह रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान की पोलिटिकल पार्टी की भी बनती है क्योंकि ये पोलिटिकल पार्टी की है जो जो आम की नुमाइंदगी करती है वो क्या करते हैं किसी की सियासी जमात से हो जाए सकता होता है डॉक्टर साहब अपने मुआशे की नुमाइंदगी करती है सियासी जमातों को वैधानिक किरदार अदा करना चाहिए और एक इंतहाई मदद के साथ एक बात मैं जरूर करना चाहूंगा कि अगर कोई सियासी जमात फिर ये समझती हो कि हम इन तमाम मामलों पर आज के बंद करके इस सिस्टम को इस तरीके से आगे चलाना चाहिए तो मेरे ख्याल में यह मामला ये हमारा लोगों को जरूर खुद करेगा ये इस तरह खिला नहीं होगा तो कोई और आ जाएगा कोई और से हुकूमत आ जाएगी जो भी आवाम की नजरियात और आवाम की सोच और फिक्र को उठावे जो सियासी हुकूमत भी अपना अमल अदा अपने किरदार अदा नहीं कर रहे हैं मेरे ख्याल में वो बेहतर नहीं हो जाएगी माशा से तो बुनियादी किरदार सियासी जमातों का ही है यहां पर फ्रंट ऑफ डेमोक्रेसी की है अगेन बात करूंगा कि वो हम एक अपडेटेड वर्जन ऑफ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की जरूरत है जिसमें हम मजीद थोड़ा एक्सपेंड करें और मौजूदा जो हालात थे उसी को मद्देनजर रखते हुए एक नए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की तरफ जितनी जमुनी सोच रखने वाली सियासी हुकूमत है उनको मुतहद होना होगा और एक नए सोच और फिक्र के साथ आगे बढ़ना होगा और इतने मिसाल के जमहूरी के बेटे के साथ आवाम के पास आना होगा मैं इजाजत चाहूंगा और आज मैं सिर्फ इतने अल्फाज बोलूंगा कि इस मुल्क के हर बाशिंदे इस मुल्क
कि हर फर्द को उनकी मर्जी के मुताबिक बोलने का हक दिलवाने का हक दिया।